कभी हंस भी लिया करो इस जीवन में, खेल खेल कर, कभी हंस भी लिया करो इस जीवन में, खेल खेल कर, कभी हंस भी लिया करो इन दांतों से, खेल खेल कर, वरना ये बुढ़ा भी दुख देंगे ही नहीं। चार पंक्तियां हमेशा की तरह अपने परिचय की पढ़ता हूँ, पुरानी लगे आपको तो आपने हाव भाव ऐसे रखना कि नहीं है, क्योंकि मेरा तारतम्य बना रहेगा और ज्यादा प्राण आप लोगों के नहीं पीऊंगा मैं। तो चार पंक्तियां अपने परिचय की पढ़ता हूँ कि आपका अपना ही हूँ नहीं पराया, आपका अपना ही हूँ नहीं पराया हूँ, माँ मीरा की धरती मेड़ता जस नगर का जाया हूँ, और कविता का थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हूँ, मगर पिछले 10 दिनों से नहीं नहाया हूँ। और नहाने से फायदा क्या, इंसान बिना नहाए भी 100 साल तक जिंदा रह सकता है। ये वैज्ञानिक तर्क है, इंसान बिना नहाए भी 100 साल तक जिंदा रह सकता है। और नहाने का फायदा क्या, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, भगवान का दिया सब कुछ है, लक्स पैस निर्मा गंगा मोती ब्री लाइफबॉय हमाम डव डिटॉल जैसे साबुन है, बाल्टी है, तौलिया है, बाथरूम है, मगर नानी की हिम्मत नहीं है। और एक आध बात सुनते हो कि नाने से आधी थकान दूर हो जाती है, ये साहब अफवाह है, आप लोग दूर रहे हैं इससे। और जिंदगी में दो बात हमेशा याद रखना, मेरी जिंदगी में दो बात आप हमेशा याद रखना, एक तो मुश्किल में घबराना नहीं और एक सर्दी में नहाना नहीं। और सर्दी का सबसे बड़ा आप लोगों को फायदा बताऊं, सर्दी का सबसे बड़ा फायदा है गर्मी नहीं लगती। और एक शेर पढ़ता हूं कि ए सर्दी इतना मत इतरा, ए सर्दी इतना मत इतरा, हिम्मत है तो जून में आ, इतना मत इतरा, हिम्मत है तो जून में आ। और ये बीच बीच में आप लोग देखते हो सर्दियों के दिनों में बीच बीच में थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ती है, ये भगवान हम जैसी महान आत्माओं को नहाने का मौका देता है। और नहाना इसके आगे भी न है और पीछे भी ना है, फिर ये घरवाले बीच का हाँ करवाने के लिए क्यों तुले रहते हैं। और मित्रों नाता वही है जिसमें दम होता है, मेरे जैसा दुबला पतला आदमी ना है तो काफी वजन कम होता है, शांत हो गए थे, मेरे को बाल देने पड़े, होता है ऐसा, हालांकि बाल के कारण दादाजी शांत नहीं हुए थे, दादाजी शांत होने के कारण बाल दे। तो दादाजी शांत होने के कारण मेरे को हरिद्वार तक नहाने जाना पड़ा, बहुत बड़ा काम है, मगर कोई मतलब नहीं निकला। तो वहां पर गंगा के किनारे बैठ के मैंने 4 पंक्तियां लिखी, और उसी दिन मेरे ख्याल से सलमान खान का फैसला आया था, जो उसने मुंबई में फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा के कुछ मजदूरों को कुचल के मार दिया था, और उस पूरे घटनाक्रम का मैंने अध्ययन किया, तो उसमें जज साहब ने फैसला दिया लास्ट, उसका सार ये, उसको बरी कर दिया। तो बरी करने के बाद मेरे को सार ये निकला कि अगर गाड़ी भी मजदूर पे चढ़ गई तो इसका मतलब शराब गाड़ी ने पी थी। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी, दादा आशीर्वाद चाहूंगा आप सबका कि हज और गंगा स्नान तो गरीबों के लिए होती है, हज और गंगा स्नान तो गरीबों के लिए होती है, वरना इस देश में अमीरों के पास तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होती है। हज और गंगा स्नान तो गरीबों के लिए होती है, वरना इस देश में अमीरों के पास तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होती है, लेकिन जिंदगी में कुछ पाप भी जरूरी है, जिंदगी में कुछ पाप भी जरूरी है, वरना बुढ़ापे में हरिद्वार जाके क्या धोनी धोती है। जिंदगी में कुछ पाप भी जरूरी है, वरना बुढ़ापे में हरिद्वार जाके क्या करोगे। और
विवेक सर हरिद्वार में वही पाप धुलते हैं जो आपने गलती से किए हो, हरिद्वार में वही पाप धुलते हैं जो आप लोगों ने गलती से किए हो, बाकी जानबूझ कर किए हुए पाप तो देवेंद्र जी यमराज के लट से धुलते हैं। और एक चीज बताऊं, जो आदमी 25 लाख की गाड़ी में बैठकर घूमते हैं, 25 लाख की गाड़ी में बैठकर घूमते हैं, अहंकार करते हैं, कसम से मैंने वहां देखा था हरिद्वार में, वो 25 रुपए के घड़े में पैक होके मां गंगा में प्रवाहित होते हैं। तो यमराज से मेरे को याद आया कि एक व्यक्ति स्वर्ग में घुस गया। अबे हास्य का मामला ऐसा है, यमराज को मेरी याद, एक आदमी मुरैना का ही रहा होगा, गलती से इसमें स्वर्ग में घुस गया, तो देवताओं ने उसकी खूब पिटाई की, मुरैना का ही रहा होगा ये गोपाल जी शर्मा जी सर, और ये बेटा, तो देवताओं ने उसकी बहुत पिटाई की, पिटाई की तो उसको कपड़े झाड़ते हुए बोला, तुम्हारे इसी लखन के कारण यहाँ कोई आना नहीं चाहता। और यमराज का बात चल रही, तो यमराज से मेरे को याद आया, यमराज का फोन आया मेरे पास, एक लॉजिक बात है, यमराज का फोन आया कि तुम्हारे देश में लड़कियां हैं 35 करोड़ और फेसबुक पर बता रही है 55 करोड़। तो सही होता हूँ, फेसबुक पर आने के बाद भी मेरी बहना बैठी है, माफी चाहूंगा, मेरे को सर फेसबुक पर आने के बाद ही पता चला कि 40-45 साल की भी लड़कियां होती है, पता ही नहीं। और फेसबुक पर एक लड़के की माँ लिखती कि 36 आएगी 36 जाएगी, मेरे लड़के के लिए 36 आएगी 36 जाएगी, वो रियल में वो बेटा खुद कह रहा माँ 37 का हो गया, बहू कब आएगी, बहू सबको चाहिए, बेटी की लेते हैं जान, बेटियां हर क्षेत्र में लाती है बेटों से बढ़कर स्थान, लेकिन नई रुकी देश में भ्रूण हत्या, तो ये देश कहलाएगा मर्दों वाला हिंदुस्तान, ये देश कहलाएगा मर्दों वाला हिंदुस्तान। और फिर क्या होगा जब ये देश कहलाएगा मर्दे वाला हिंदुस्तान, तो फिर ना जानू ना जान, कॉलेज सुनसान, गलियां वीरान, तना इंसान, हर तरफ जय हनुमान जय हनुमान। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, आज ही लिखी है नई, कि दिल से दिल के जज्बात कविता हो जाती है, दिल से दिल के जज्बात कविता, मेरा मानना है दिल से दिल के जज्बात कविता हो जाती है, पहले मिलन की चांदनी रात कविता हो जाती है, और सही वक्त पर सही बात कविता हो जाती है, और कम शब्दों में अच्छी बात कविता हो जाती है। बहुत अच्छा, मेरी माँ कहती है कि मैं बचपन में कृष्ण भगवान से ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन ये नौकरी की भागदौड़ ने भैरव बाबा बना दिया। माँ माँ पर चार पंक्तियां देखे कि माँ है तो जहाँ है, माँ है तो जहाँ है वरना जीवन कहाँ है, माँ है तो जहाँ है वरना जीवन कहाँ है, हम एक पत्थर नहीं उठा सकते, अरे माँ ने हमें 9 महीने पेट में सहा है। चार घंटियां और पढ़ता हूँ, और वो दिनेश सर को समर्पित करता हूँ, गजल के बहुत बड़ा नाम होता है देश में, दिनेश सिंगल, तो मेरी भी वो भाई अभी कह रहा था विवेक कॉपी चेक हो जाएगी, तो मैं अपनी कॉपी चेक करवाने के लिए दिनेश सर के सामने पेश कर रहा हूँ कि हद जमाने की तुम पार मत करना, हद जमाने की तुम पार मत करना, और खुद को कभी शर्मसार मत करना, हद जमाने की पार मत करना, और खुद को कभी शर्मसार मत करना, और आग लग जाए तो बुझा लेना, कभी किसी का इंतजार मत करना।